Very good morning to all. कल हम लोगों ने yesterday जो है सो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था द नोज, ओके. और उसके फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने कल रीड किया था, ओके. इसमें जो है नो वाला बॉक्स, अंडरस्टैंड, वॉन्डर्स, इन सब चीजों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था. ये जो पोएम है द नोज, ओके, तो कल मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि एक सटायर है. क्या है सटायर? सटायर का मतलब होता है व्यंग. व्यंग मतलब जो किसी का मजाक उड़ाना, व्यंग करना, है ना, यानी उसका मजाक, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है. तो वो व्यंग होता है. जब कोई राइटर्स कुछ लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स राइटर्स होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं और स्टोरी पे व्यंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं उनकी, है ना. तो सटायर भी जो है, यानी व्यंग भी जो है, वो राइटिंग का एक हिस्सा है. उसमें एक ह्यूमर्स होते हैं, हास्य होते हैं, यूज करते हैं लोग आलोचना करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, है ना. तो ये जो स्टोरी है द नोज, ये सटायर है, यानी ये एक व्यंग है, ये एक हास्य स्टोरी है, ह्यूमरस स्टोरी है, ठीक है. तो हम लोग इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए, कोवालोव वोक अप रादर अर्ली एंड मेड ए ब्रिंग नॉइज विथ हिज लिप्स. ही ऑलवेज did this when he woke up, though if you asked him why, he could not give any good reason. Kovalov, है ना, Kovalov. He stretched himself and asked for the small mirror that stood on the table to be brought over to him. He wanted to have a look at a pimple that had made its appearance on his nose the previous evening, but to his extreme astonishment, he found that instead of a nose, there was nothing but an absolutely flat surface. In a terrible panic, Kovalov asked for some water and rubbed his eyes with a towel. No mistake about it, his nose had gone. He began pinching himself to make sure he was not sleeping, but there could be no doubt that he was wide awake. Okay. तो कोवालिव जो है वो क्या होता है कि वो जल्दी से जाग जाते हैं. कोवालिव woke up rather early, है ना, वो जल्दी से जग जाते हैं. And made a bring noise with his lips, और अपने lips से एक तेज आवाज जो है वो निकालते हैं, और ठीक है, मेड ए ब्रिंग नॉइज विथ हिज लिप्स. ओके, तो लिप्स का मतलब क्या होता है? ओट. इसको हम लोग लिप्स बोलते हैं, LIPS. तो वो अपने ओट से एक तेज आवाज निकालते हैं. ही ऑलवेज डिड दिस व्हेन ही वोक अप, और वो जो साउंड निकालने का जो काम है वो हमेशा करते हैं, है ना. जब भी वो जगते हैं तो वो इस तरह की आवाजें निकालते हैं. ओके, ही ऑलवेज डिड दिस व्हेन ही वोक अप, दो इफ यू आस्क्ड हिम व्हाई, ही कुड नॉट गिव एनी गुड रीजन. हालांकि जब उनसे ये ऐसा पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, है ना, या आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कोई एक अच्छा रीजन नहीं बता पाते हैं. ही कुड नॉट गिव एनी गुड रीजन, तो वो कोई एक कोई भी जो है अच्छा रीजन, एक उसका कारण जो है रीजन, वो नहीं बता पाते हैं. कुड नॉट गिव एनी गुड रीजन. कोवालोव स्ट्रेच हिमसेल्फ
Kovalyov stretched himself and asked for a small mirror that stood on the table to be brought over to him. है ना? तो कोवालोव ने खुद को जो है स्ट्रेच हिमसेल्फ एंड आस्क फॉर ए स्मॉल मिरर, यानी खुद को जो है हाथ बढ़ाते हैं और एक छोटे से दर्पण के लिए, जो कि मेज पे खड़ा था, है ना। स्ट्रेच हिमसेल्फ एंड आस्क फॉर ए स्मॉल मिरर दैट स्टूड ऑन ए टेबल टू बी ब्राउट ओवर टू हिम, है ना। तो वो उस मिरर के लिए जो है टेबल पे हाथ बढ़ाते हैं खुद से। ओके, ही वांटेड टू हैव ए लुक एट द पिंपल दैट हैड मेड इट्स अपीयरेंस ऑन हिज नोज द प्रीवियस इवनिंग, बट टू हिज एक्सट्रीम एस्टोनिशमेंट He found that instead of a nose, there was a nothing but a absolutely flat surface. Okay. तो he wanted to have a look at a pimple. Pimple का मतलब क्या होता है? दाना दाना जो हो जाते हैं और उसको हम लोग पिंपल बोलते हैं, चेहरे पे, बॉडी में, कहीं पे भी छोटा, जैसे जिसको हम लोग घमौड़ी भी बोलते हैं, है ना, उस तरह का। या और भी कोई कई दाने होते हैं और जो कि चेहरे पे या बॉडी में कहीं निकल जाते हैं, उसको हम लोग पिंपल बोलते हैं। पिंपल का मतलब होता है दाना, है ना। तो ही वॉन्टेड टू हैव ए लुक एट ए पिम्पल, तो वो एक पिम्पल यानी दाना को देखना चाहते थे, है ना। That had made its appearance on his nose the previous evening. Okay, जो कि जिसने पिछली शाम उनकी नाक पर अपनी appearance बनाया था, उपस्थिति बनाया था, है ना। On his nose previous evening, appearance on his nose the previous evening, यानी पिछली शाम, previous evening जो है वो उनके nose पे एक उपस्थिति, appearance बनाया था, एक दाना। बट टू हिज एक्सट्रीम एस्टोनाइजमेंट, है ना, लेकिन अब वो जो था वो अपने एक्सट्रीम पे था। एक्सट्रीम एस्टोनाइजमेंट मतलब एक चरम आश्चर्य, एक बहुत बड़े आश्चर्य था कि ही फाउंड दैट इंस्टीड ऑफ ए नोज देयर वॉज नथिंग बट ए एब्सोल्युटली फ्लैट सरफेस, है ना। लेकिन वो अपने आप में एक क्या था, एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य था, एक अचंभा वाली बात थी, ठीक है, कि उसने क्या पाया कि उसके नाक के बजाय एक बिल्कुल सपाट जगह है, यानी उसका नाक गायब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये फ्लैट, ये जो है बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, यानी नाक है ही नहीं, ये बिल्कुल बराबर है जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे चेहरा पे भी बन गया था। तो ही फाउंड दैट Instead of a nose, there was nothing, है ना, but an absolutely flat surface, यानी उसकी नाक की जगह कुछ भी नहीं था, flat surface था, है ना, एक सपाट सतह बन गया था, यानी ये flat surface के अलावा कुछ भी नहीं था। In a terrible panic, Kovalyov asked for some water and rubbed his eyes with a towel. Okay. तब जो है in a terrible panic, यानी वो भयानक दहशत में आ जाते हैं, टेरिबल हो, वो मतलब डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, है ना। तो जो है भयानक दहशत में और जो है वो डर के मारे जो है कोवलियाव आस्क्ड फॉर सम वाटर, यानी वो कुछ पानी मांगते हैं, आस्क्ड फॉर सम वाटर एंड रब्ड हिज आईज, और उसके बाद वो अपनी आंखों को मलते हैं, ठीक है, रब करना मतलब मलना,
ठीक है, वो अपनी आंखों को मलते हैं। एंड रब्ड हिज आईज विद ए टॉवेल, यानी वो टॉवेल से जो है अपनी आंखों को मलते हैं। नो मिस्टेक, है ना, नो मिस्टेक अबाउट इट, हिज नोज हैड गोन, ही बिगेन पिंचिंग हिमसेल्फ टू मेक श्योर ही वॉज नॉट स्लीपिंग, बट देयर कुड बी नो डाउट दैट ही वॉज वाइड अवेक, और नो मिस्टेक अबाउट इट। वो जो है वो चेक करना चाहते हैं कि इसके बारे में कोई गलती तो नहीं है, यानी जो ये सरफेस जो है वो बिल्कुल जो फ्लैट है वो उसको इस बारे में चेक करना चाहते हैं। नो मिस्टेक अबाउट इट, यानी कि ये कोई गलती तो नहीं है ना। हिज नोज हैड गोन, कि उनका नाक जो है वो गायब हो गया है। ही बिगेन पिंचिंग हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप को पिंच करने लगे, यानी कहीं कहीं पे काट काट के देखने लगे। क्यों? क्योंकि पिंचिंग हिमसेल्फ टू मेक श्योर ही वॉज नॉट स्लीपिंग, उनको लग रहा था कि कहीं हम सोए हुए तो नहीं है, सपना तो नहीं देख रहे हैं कि मेरा नाक गायब हो गया, इसलिए वो अपने आप को पिंच कर रहे थे और जगह जगह खुद से, है ना, ये श्योर होने के लिए कि हम कहीं नींद में तो नहीं है, सपने में तो नहीं है, सोए हुए तो नहीं है ना। बट देयर कुड बी नो डाउट दैट ही वॉज वाइड अवेक, है ना। लेकिन इसमें कोई, बट देयर कुड बी नो डाउट दैट ही वॉज ए वाइड अवेक, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि वो जग रहे थे, है कि नहीं। कोवलिया स्प्रिंग आउट ऑफ बेड एंड सुक हिमसेल्फ, वो जो है फिर अपने बेड पर से उछल के कूद जाते हैं, है ना, एंड सुक हिमसेल्फ, और अपने आप को हिला के देखता है कि नहीं। स्टिल नो नोज, उसके बावजूद भी जो है उसके पास देखता है कि नाक नहीं है, अभी भी कोई नाक नहीं है, स्टिल नो नोज। ही क्विकली गॉट रेडी एंड ऑफ ही डैश्ड स्ट्रेट टू द हेड ऑफ पुलिस। ओके, ही क्विकली गॉट रेडी एंड ऑफ ही डैश्ड स्ट्रेट टू द हेड ऑफ पुलिस। वह जल्दी से तैयार हो जाता है ना, ही क्विकली गॉट रेडी, और जल्दी से तैयार हो गया, और उसने और जो है सीधा दो पुलिस वालों को और डैश्ड कर दिया, धराशायी कर दिया, है ना। ही लव्ड रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज ए मेजर एंड हैड कम टू सेंट पीटरबर्ग विद द सेट पर्पस ऑफ फाइंडिंग पोजिशन इन कीपिंग विद हिज रैंक। ओके, ही लव्ड रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज ए मेजर, रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज ए मेजर एंड हैड कम टू सेंट पीटर्सबर्ग विद द सेट पर्पस ऑफ फाइंडिंग ए पोजिशन इन कीपिंग विथ हिज रैंक, है ना। यानी वो खुद को जो है वो मेजर बताते हुए प्यार करता था, ही लव्ड रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज ए मेजर, है ना, यानी वो अपने आप को मेजर बताता था और इस बात से वो काफी प्यार करता था। ही लव्ड रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज ए मेजर एंड हैड कम टू सेंट पीटरबर्ग्स। ओके,
okay, and had come to St. Petersburg with the set purpose of finding position in keeping with his rank. ओके तो वो अपने आप को मेजर बताते हुए प्यार करता था और अपने रैंक को ध्यान में रखते हुए, है ना, अपने रैंक को ध्यान में रखते हुए एक एक पद पाने के लिए, है ना, एक अपनी पोजीशन पाने के लिए जो है वो निर्धारित उद्देश्य से जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग आया था, है ना, यानी एक पोजीशन पाने के लिए जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग से आया था. If he was lucky, यदि वह भाग्यशाली था, if he was lucky, he would get a vice governorship, but failing that, a job as an administrative clerk in some important government department would have to do. Okay. यदि वह भाग्यशाली था तो उसने उसे एक उप गवर्नरशिप, है ना, यानी वाइस गवर्नरशिप, वाइस का मतलब था उप, वाइस गवर्नरशिप जो है मिलेगी, लेकिन वह असफल रहा, बट फेलिंग दैट, है ना, कि कुछ महत्वपूर्ण सरकारी विभाग में जो है उसका ए जॉब एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, यानी प्रशासनिक विभाग में या प्रशासनिक क्लर्क इन सम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वुड वी हैव टू डू, कि लेकिन वो असफल है, और कुछ महत्वपूर्ण सरकारी विभाग में प्रशासनिक क्लर्क के रूप में नौकरी करनी होगी. ठीक है, मेजर कोवलियाव वाज नॉट एवर्स टू मैरिज. मेजर कोबलिया वॉज नॉट एवर्स टू मैरिज एज लॉन्ग एज हिज ब्राइड हैपेंड टू बी वर्थ 2 lakh rubles. ओके, यानी उसको जो है मेजर कोबलिया को शादी में कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जब तक उनकी दुल्हन, है ना, एज लॉन्ग एज हिज ब्राइड हैपेंड टू बी वर्थ 2 lakh rubles, यानी जब तक कि उसकी पत्नी जो है उसकी दुल्हन जो है 2 lakh rubles के बराबर नहीं हो जाती ना, यानी उस कीमत की जब तक नहीं हो जाती तब तक उसको शादी से कोई लेना देना नहीं था. ओके, इन शॉर्ट, यानी संक्षेप में, कोवलियाव हैड ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, यानी कोवलियाव को जो है अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन था, यानी बहुत ही उच्च राय थी, हाई ओपिनियन था अपने बारे में. इन शॉर्ट, कोवलियाव हैड ए वेरी हाई ओपिनियन ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, यानी उसको अपने बारे में बहुत ही हाई ओपिनियन था, एक बहुत ही उच्च किस्म की और उसके पास अपनी राय थी, है ना, ओपिनियन का मतलब होता है राय. एंड नाउ द रीडर कैन जज फॉर हिमसेल्फ हाउ दिस मेजर फेल्ट व्हेन इंस्टीड ऑफ ए फेयरली प्रेजेंटेबल एंड रीजनेबली साइज्ड नोज, है ना, और जो है अब यह पाठक खुद के लिए न्याय कर सकता है कि यह मेजर कैसा महसूस करता है कर सकता है. ठीक है, तो यह अब जो है रीडर जो है यह खुद के लिए न्याय कर सकता है कि यह मेजर कैसा महसूस करता है. इंस्टीड ऑफ फेयरली प्रेजेंटेबल एंड रीजनेबली साइज नोज्ड. ओके, जब एक काफी प्रस्तुति, प्रेजेंटेबल का मतलब होता है प्रस्तुति करने योग और यथोचित आकार की नाक, रीजनेबल नाक के बजाय
उसने देखा कि वह बिल्कुल हास्यास्पद था, है ना। ऑल ही सॉ वाज एन एब्सोल्युटली रिडिकुलस स्मूथ फ्लैट स्पेस, है ना, इंस्टेड ऑफ ए फेयरली प्रेजेंटेबल एंड रीजनेबली साइज्ड नोज। ऑल ही सॉ वाज एन एब्सोल्युटली रिडिकुलस स्मूथ फ्लैट स्पेस, है ना। तो सब देखते हैं कि उनका रिजनेबली नाक के जो है कि आकार के बजाय उसने देखा कि वह बिल्कुल हास्यास्पद यानी रेडिकुलस जो है चिकनी सपाट जगह थी नाक के जगह पे, है ना। सडनली ऑल ऑफ हिज एस्पिरेशंस सीम्ड टू बी टू गो डाउन डाउन हिल। ओके, सडनली मीन्स अचानक से, है ना, अचानक से उसकी सारी आकांक्षाएं जितने भी एस्पिरेशंस थे, यानी सडनली ऑल ऑफ हिज एस्पिरेशंस जितनी भी उसकी आकांक्षाएं थी सब क्या हो गया, सिम टू बी गो डाउन हिल, यानी सबके सब बर्बाद हो गए, सब धाराशाही हो गए, है ना। ऐसा लग रहा था कि उसकी जितनी भी आकांक्षाएं थी, उसकी इच्छाएं थी, एस्पिरेशंस थी, वो सबके सब क्या हो गए, सब बर्बाद हो गए, गो डाउन हिल यानी बद से बदतर हो गया। गो डाउन हिल का मतलब होता है बिकम वर्स, WORSE, बैड वर्स वर्स्ट। तो उसकी जितनी भी एस्पिरेशन थी ऐसा लग रहा था कि सब जो है बद से बदतर हो गया, एकदम बेकार हो गया, है ना, बर्बाद हो गया। एज इफ दिस वर नॉट बैड इनफ देयर वॉज नॉट ए कैब इन साइट एंड ही हैड टू वॉक कीपिंग हिमसेल्फ हडल्ड अप इन हिज क्लॉक एंड विथ ए हैंडकरचीफ ओवर हिज फेस टू मेक पीपुल थिंक ही वॉज ब्लीडिंग। अब वो क्या करता है कि एज इफ दिस वर नॉट बैड इनफ, ओके, जैसे कि यह बहुत बुरा नहीं था, एज इफ दिस वर नॉट बैड इनफ, यानी कि यह बहुत बुरा नहीं था देखने में, है ना। देर वॉज नॉट ए कैब इन साइट, देखने में एक टैक्सी नहीं थी और उसे चलना था, है ना। एंड ही हैड टू वॉक, उसे क्या करना था, चलना था। कीपिंग हिमसेल्फ हडल अप इन हिज ए क्लॉक एंड विथ ए हैंडकरचीफ ओवर हिज फेस टू मेक पीपुल थिंक ही वॉज ब्लीडिंग, यानी उसे चलना था और अपने अपने आप को अपने लवादे में छिपाए रखना, छिपाए रखा और लोगों को लगता था कि वह खून उसको जो है खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है ना। और वो अपने चेहरे को रुमाल से ढके हुए था और तो लोगों को लग रहा था कि उसको क्या हो रहा है, एक ब्लीडिंग हो रहा है। ओके, तो चलिए और अब इस स्टोरी को हम लोग और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें और भी कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो फिर हम लोग कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही है। फिर आप अभी आप लोग खुद से फिर से इसको रीड करिए, पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद और इसको रिवाइज कीजिए, जोर जोर से पढ़िए, और जो मैंने पिछली क्लास में वर्ड्स लिखाया था उसको रिवाइज करिए, फिर मैं इसका भी वर्ड्स लिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक आपको पीछे जो लिखाया गया वर्ड्स उनको आप रिवाइज करिए, ठीक है, और जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको भी आप पढ़िए, खुद से पढ़िए, चैप्टर को पूरा रीड कीजिए थ्रू आउट, जोर जोर से बोल बोल के पढ़िए, है ना, तो समझ में आएगा। ओके, और फिर हम लोग इसमें और भी स्टोरी हैं तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, हैव ए गुड डे।